अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आप देख सकते हैं, गे प्राइड का झंडा है। हम जिन परस्तों की जो मूवमेंट है उसका ये झंडा है, जो DHF फेज 7 एक्सटेंशन कराची में। आप अगर क्रीक व्यू रोड से जा रहे हो टुवर्ड्स कयूमाबाद, तो ये उल्टे हाथ पे एक मकान की छत पे आपको मिलेगा। मैंने 1092 पे कंप्लेन करी कई दफ़ा, जो DHA का हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं करी इस झंडे को हटवाने की। बहुत अफसोस का मकाम है कि अब पाकिस्तान में ये हालात आ गए हैं कि हम जिन परस्तों के जो झंडे हैं वो छतों पे खुले आम पाकिस्तान के झंडे के बराबर में लगे हुए हैं, लहरा रहे हैं। तो भाई क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह सुबहान तआला आसानी करे। मैं एक रेफरेंस के लिए दिखा दूं कि ये फेज 7 एक्सटेंशन ही है। जो लोग DHA से वाकिफ़ हैं उनको आइडिया हो जाएगा, ये फेज 7 एक्सटेंशन का जो कब्रिस्तान आता है ये उससे पहले है। तो अगर कोई भाई कोई साहब कुछ कर सकता है इस हवाले से तो वो ज़रूर करे। हमें इनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, कोई पर्सनल परखाश नहीं है। हमें इस बात का इख्तलाफ है कि ये प्रोपगेट क्यों कर रहे हैं इसको, गे राइट्स की मूवमेंट को पाकिस्तान में, या गे राइट्स के लिए क्यों निकले हुए। हमें इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ है, लेकिन इन घर वालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बंद कमरों के पीछे जो करें इनका मसला है, ये जाने अल्लाह जाने। लेकिन इससे हमें डेफिनेटली इख्तलाफ है, इससे मुझे तो इस बात पर शदीद गुस्सा है। अल्लाह सुबहान तआला आसानी करे हमारे लिए, अल्लाह इस तरह के लोगों को नेस्तो नाबूद करे जो हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ों को प्रोपगेट कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, भैया कोई कुछ कर सकता है तो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।